हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मुनमुन स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल मुनमुन क्रिएटिविटी में। सो गाइस, आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ महाराष्ट्र की ये एक रेसिपी है। इसे बोला जाता है घारगे। और घारगे जो है, अभी गणपति आने वाला है, गणपति के बाद आएगा लक्ष्मी, बाद नहीं आएगा, गणपति के बीच में ही आता है। 3 दिन के लिए महालक्ष्मी आती हैं। उस टाइम पे बहुत सारे स्वीट डिश हुआ या नमकीन वगैरह हुआ, बहुत कुछ घर में बनाया जाता है महालक्ष्मी के लिए। सो उसमें से एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ घारगे की। तो घारगे जो बनता है वो बनता है काशीफल से। काशीफल जो है, बहुत जगह पे इसको काशीफल बोला जाता है, कहीं पे सीताफल बोला जाता है, महाराष्ट्र में तो इसे भोपड़ा बोलते हैं। तो हर जगह का नाम अलग अलग है। तो इससे मैं बहुत एक अच्छी स्वीट डिश बनाने वाली हूँ। काफ़ी जगह पे इस रेसिपी को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, और अगर आप लोग बनाते हो आपकी जगह पे इसका नाम, हर स्टेट जैसे जैसे चेंज होता है, रेसिपी वही रहती है पर नाम अलग अलग हो जाते हैं। सो मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी इस रेसिपी को क्या बोला जाता है, और जिसको नहीं पता वो लोग एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, और खाकर भी बना के खा के बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और अपने अनुभव जो है वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की रेसिपी शुरू करते हैं घारगे की। तो गाइस चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम काशीफल। तो काशीफल का जो ये ऊपर का जो पार्ट होता है जिसमें बीज वगैरह होते हैं, इसे हमें निकालना है और छिलके भी निकाल के अलग कर लेना है। और मैंने छिलके निकाल दिए, पूरा क्लीन कर लिया और इसे धो लिया है। धोने के बाद मैं इसके कर रही हूँ 2 टुकड़े, और 2 से 4 टुकड़े करने के बाद इसे मैं करूँगी कद्दूकस। कद्दूकस करने से क्या होगा, हमें आसानी होगी इसको पकाने में। तो अभी मैं इसके कद्दूकस कर लूँगी इन 4 टुकड़ों को। तो यहाँ मैंने कद्दूकस कर लिया है, और अगर आपको मेजरमेंट चाहिए तो आप एक कटोरी में रख सकते हो, उसी हिसाब से हमें ये गुड़ लेना है। तो गुड़ को भी मैं कद्दूकस कर लूँगी। तो मैं आपको एक मेजरमेंट बता देती हूँ, अगर आप कटोरी के हिसाब से काशीफल ले रहे हो, अगर आपने एक कटोरी काशीफल लिया है तो आप गुड़ लेंगे 1/2 कटोरी। मीठा आप कम ज़्यादा कर सकते हो, पर 1/2 कटोरी इनफ हो जाता है। तो मैंने काशीफल के हिसाब से 1/2 कटोरी गुड़ लिया है। अब मैं यहाँ पर चढ़ा रही हूँ एक फ्राई पैन। फ्राई पैन में मैंने डाला है 1/2 चम्मच के जितना घी, और घी डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी जितना काशीफल हमने कद्दूकस किया हुआ था, वो सारा इसमें डाल दूँगी। डालने के बाद इसे मैं अच्छे से फ्राई पैन में भून लूँगी कम से कम 1 मिनट के लिए। और अगर जब हम ये भूनते हैं तो गैस की जो फ्लेम है उसको आप धीमा ही रखिएगा। तो 1 मिनट बाद मैं इसको, अब 1 मिनट के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें गुड़, जो मैंने गुड़ कद्दूकस किया था। कद्दूकस करने से ये होता है कि गुड़ की जो, अगर हम ऐसे ढीले डाल देंगे तो पिघलने में काफ़ी टाइम लगता है और पिघलता भी नहीं है, इसीलिए कद्दूकस करने से जल्दी से गुड़ पिघल जाता है और इसमें मिक्स हो जाता है। तो अब हम इसका जो थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको ढककर हम पकाएंगे धीमी आंच पर, ताकि जो काशीफल है वो अच्छे से पक जाए। तो 1 मिनट के जितना मैंने ढक के रखा था धीमी आंच पर, अब 1 मिनट बाद मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ। हटाने के बाद अब हम इसका जो फ्लेम है वो एकदम पूरा कर देंगे, तेज कर देंगे, और इसको पानी सुखाने तक अब हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो पानी मोस्टली सूख गया है पूरा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर। तो इलायची मैंने 4 से 5 इलायची ली, जिसे मैंने कूट लिया है और इसमें मैंने डाल दिया। और अब मैं अच्छे से इलायची को इसमें डाल के मिक्स करूँगी, और गैस जो है वो मैंने तेज़ी रखा है, और अभी ये हो चुका है, अब मैं कर दूँगी गैस को ऑफ़। तो हमें यही स्टेज पर आके गैस को ऑफ़ कर देना है, आप देख सकते हो। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये देखिए। अब क्या करेंगे, अब इसको हम निकालेंगे एक बाउल में,
अब मैं एक चम्मच की सहायता से आपको माप बताऊंगी कि आपको क्या क्या लेना है। यहाँ पे ये मैंने चम्मच से 2 चम्मच सूजी डाली उसमें, और इसी चम्मच से मैं डालूंगी चावल का आटा 2 चम्मच, और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ खाने वाला नमक। अगर मीठी चीज़ हम बनाते हैं उसमें हम थोड़ा सा अगर नमक डाल देते हैं तो टेस्ट अच्छा आता है। तो अब मैं इसको मिक्स करने के बाद अब मैं डाल रही हूँ जो हमारा गेहूं का आटा होता है वो मैं डाल रही हूँ। पहले 1 कप डाल रही हूँ, उसके बाद 1/2 कप और डालूंगी, तो 1.5 कप हमको आटा लगेगा गेहूं का। अब इसको हम अच्छे से जैसे हम पूड़ी का आटा मारते हैं वैसे मार लेंगे। तो इसमें पूड़ी का आटा कैसे होता है, थोड़ा सख्त मारते हैं, यहाँ पर हमें सख्त नहीं मारना है। इस आटे को उस पानी वगैरह बिल्कुल कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, उसी से ही ये पूरा आटा मर जाएगा। जो हमने काशी फल और गुड़ से जो मिक्स किया है उसी से ही आटा मर जाएगा। तो ये देखिए पूरा हमने मार लिया है, पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से आटा होना चाहिए, ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा नरम। अब क्या करेंगे, अब हम इसको चकले पर थोड़ा सा आटा डाल के थोड़ा और मार लें, क्योंकि हाथ में ये चिपकता है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको एक बड़ा सा जैसे हम रोटी बेलते हैं उस टाइप से हम चकले पर बेल लेंगे, थोड़ा थोड़ा आटा डाल के, क्योंकि हाथ में चिपके नहीं। अब हम क्या करेंगे, एक कटोरी लेंगे और कटोरी की सहायता से इसको गोल गोल कट कर लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट भी पूड़ी बेल सकते हो, पर इस तरीके से करने से साइज़ जितनी है सब पूड़ियों की एक ही तरह की आती हैं और देखने में भी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 पूड़ियाँ निकाल ली हैं। अब क्या करेंगे, हम लेंगे खसखस। अब खसखस लेने के बाद इसको हम दोनों तरफ से इसको लगाएंगे। एक बार हाथ से मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, हाथ से भी लगा सकते हो। और अगर आप हाथ से नहीं लगा पा रहे हैं तो आप बेलन की सहायता से भी इसको लगा सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा हम बेल लेंगे ताकि साइड की जो मोटा मोटा दिख रहा है वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा और पूड़ी की तरह शेप आ जाएगा। और बाकी की पूड़ियाँ भी मैं बना लेती हूँ। तो ये इतनी सारी बनी हैं, देखिए। अब क्या करना है, जैसे ही तेल गर्म हो जाता है तेल में इसको हम जैसे पूड़ियाँ तलते हैं उसी तरीके से तलेंगे। तो इसका एक मैं आपको आइडिया बता देती हूँ, इसको धीमी आंच पर ही पकाइएगा। तेज आंच करेंगे तो ये जलने का डर रहता है, क्योंकि इसमें काशी फल है, गुड़ है, तो आप समझ सकते हो इसका कलर ऑलरेडी ही लाल लाल काला काला होगा। और एक और चीज़ है इसमें, बहुत से लोगों का कहना है कि ये पूड़ियाँ फूलनी चाहिए। तो गाइस अगर आप मीठा कम डालते हो तो ऑब्वियसली पूड़ियाँ फूलेंगी। अगर आप मीठा ज़्यादा डालते हो, जैसा कि अभी मेरा मीठा थोड़ा ज़्यादा है, तो पूड़ियाँ कम फूल रही हैं, और ये ठंडी होने के बाद एकदम कुरकुरी हो जाती हैं और बहुत ही यम्मी लगती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरी पूड़ियाँ फूल क्यों नहीं रही हैं। पूड़ी फूलने का रीज़न यही है, क्योंकि मैं कई बार बना चुकी हूँ और मैंने ये चीज़ फॉलो की है। बहुत से लोग कहते हैं पूड़ियाँ फूलनी चाहिए, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैंने यहाँ पर सारी पूड़ियाँ बना ली है और कुछ इस तरीके से लगती हैं, बहुत ही टेस्टी लगती गाइस। अगर जो लोग नहीं खाए हैं एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिए और खाकर ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। ये देखिए बहुत कुरकुरी हो जाती है ठंडी होने के बाद। इसे आप अच्छे से 15 से 20 दिन स्टोर करके रख के चाय के साथ खाइए या ऐसे खाइए, बहुत यम्मी लगती है गाइस। तो ये थी आज की रेसिपी गार्गे की। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लाइक करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये थी आज की रेसिपी, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे वीडियोज़ देखते रहिए।